वृंदावन से हिंदुत्व की रक्षा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर यात्रा निकाल रहे महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वर नाथ जी महाराज कल देर शाम मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने महामाई मंदिर में हिंदुओं को एकजुट कर अलग जगाने का काम किया है। महामंडलेश्वर ने कहा कि राष्ट्रहित में 18 अक्टूबर को वृंदावन से निकली ये यात्रा आज मुजफ्फरनगर पहुंची है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व की रक्षा और भाजपा के शताब्दी वर्ष तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। सनातन धर्म को जो अपनाएगा वही सच्चा हिंदुस्तानी है। जो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम बोलेगा, उसी को यहाँ रहने दिया जाएगा। ये राष्ट्रहित यात्रा 18 अक्टूबर से वृंदावन से निकली है और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको बहुत ध्यान से सुने और इसको निकाय भी जरूर। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा और भारत शताब्दी वर्ष तक, आने वाले भाजपा के शताब्दी वर्ष तक हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा, धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? योगी सरकार है। देखिए, मैं पहली बात तो कहना चाहता हूँ, अगर धर्मांतरण कहना है तो मुस्लिम लोग अगर हमारे हिंदू धर्म को अपनाएं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर हमारे हिंदू लोग जा रहे हैं ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि धर्म है कौन सा। हम कहते हैं धर्म की जय, वो धर्म का नाश हो, प्राणियों की प्राणियों में विश्वास हो और विश्व का कल्याण हो। तो सिर्फ एक ही धर्म है जिसका नाम है सनातन धर्म, और सनातन धर्म को जो अपनाएगा, जो हिंदुत्व को अपनाएगा, वही भारत का सच्चा हिंदुस्तानी है। और जितने भी लोग यहाँ पे, जो भी लोग रह रहे हैं, मैं सबसे एक ही बात कहूँगा, यहाँ पे उसी को रहने का हक है जो भारत माता की जय बोलेगा, वंदे मातरम बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा। जिस प्रकार हम कहते हैं देवालय, देवालय का मतलब है जहाँ देवता रहते हैं उसको आलय कहते हैं, देवालय होता है। उसी प्रकार हिंदुस्तान का मतलब है जहाँ हिंदू रहते हैं वह हिंदुस्तान होता है। तो ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। हिंदुओं के समर्थित सरकार है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया? बनेगा ना शताब्दी वर्ष तक। हम भ्रमण किस लिए कर रहे हैं, इनको जगा क्यों रहे हैं? ये हिंदू संगठित नहीं होता ना, यही तो बातें सबसे बड़ी कमी है। संगठित है सरकार बना, कितना संगठित है ये आपको पता नहीं है ना? हम जानते हैं ना कितना संगठित है। जो संगठित थे उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री, योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आपको नहीं पता ये कितने संगठित हैं अंदर से। ये अंदर से संगठित नहीं है। मैं कई जगह भ्रमण करके आया हूँ, मैंने सबसे किसी से पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है तो अपना नाम बताता है, वाल्मीकि हूँ। किसी से पूछता हूँ क्या, मैं जाट हूँ, कोई कहता है बनिया हूँ। अरे आप इन सबको छोड़ दीजिए, आप एक बताइए, टीवी मीडिया के आप लोग हैं, मैं आप ही से एक प्रश्न करता हूँ। जब आप लोग गणना करते हैं ना टीवी पे, तो आप सबसे पहले दिखाते हैं कि हिंदू के अंदर मालूम है क्या दिखाते हैं आप? बनिया इतना, जाटव इतना, हरिजन इतना, तेली इतना, ये इतना, सबकी आप हमारे हिंदू के अंदर जितनी भी जातियां सबकी व्याख्या करते हैं, लेकिन मुसलमान को आप एक तरह मुसलमान गिनते हैं। क्यों? क्या मुसलमान में जातियां नहीं होती? ये इसलिए क्योंकि ये लोग संगठित नहीं है। अगर ये लोग संगठित होते तो आप भी हिंदू और मुस्लिम ही गिनते, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मुसलमान में जातियां नहीं देखते। मैं सबको जगा रहा हूँ, इस देश को मेरा काम ही ये जगाना। जागेंगे, स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा को लेकर निकला हूँ। स्वामी विवेकानंद ने धर्म जागरण किया था, उन्होंने कहा था धर्म रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा होगी तो राष्ट्र बचा रहेगा। और मैं ये कहता हूं कि राष्ट्र अगर रहेगा तो धर्म रहेगा, और राष्ट्र नहीं रहेगा तो धर्म नहीं रहेगा।